क्या कनाडा जो है दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है? क्योंकि इस तरह की कई सारी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। इस समय कनाडा और जो भारत के बीच के रिश्ते हैं उनमें कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। जो भारत ने कनाडा के ऊपर कार्रवाई की, कनाडा वहां से जो कार्रवाई कर रहा है, इस सब बीच में जो है रिश्ते कहीं ना कहीं खराब होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच में मैं आपको बता दूं, पंजाब के एक गैंगस्टर सुखा धनेका, ये जो है कनाडा में एक इंटर गैंग राइवलरी के चलते मारा गया है। ये जो सुखा है ये 2017 में पंजाब से कनाडा भागा था नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और वहां पर जो है इसने रहना शुरू कर दिया था। अब जो लोग भारत से नकली डॉक्यूमेंट बनाकर कनाडा में जाते हैं वो कनाडा में इतनी इजीली रहते कैसे हैं, सवाल ये खड़ा होता है। 2017 से ये वहां पर रह रहा था और अभी इंटेलिजेंस इनपुट से ये पता चला है कि कनाडा के अंदर इसका असली नाम सुखदोल सिंह है, जिसे सुखा दुनिक्की के नाम से जानते थे। इसका एक दविंदर बांबिया गैंग है कोई मोगा डिस्ट्रिक्ट का, और इसकी कोई इंटर गैंग राइवलरी थी और कल रात को ये जो है मारा गया है। अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक यही पता चला है कि इसके मारे जाने की खबर आई है। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी एक हरदीप सिंह निज्जर, ये भी कनाडा में मारा गया, जिसके बाद कनाडा के अंदर जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बोला कि भारत का हाथ है हरदीप सिंह निग्गर को मारने में। फिलहाल भारत ने इन सब चीज़ों से जो है नकारा ही है कि भाई हमारा हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं, और अब ये भी सुनने में मिल आ रहा है कि जो हमारे यहाँ के फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी जो किलिंग हुई थी उसके भी जो षड्यंत्र बना था वो कनाडा में ही बना था। अभी ये कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कनाडा के अंदर इस गैंगस्टर के मारे जाने के बाद ये भी पता चल रहा है कि कुछ और गैंग्स भी एक्टिव हो रहे हैं। ये पंजाब का एक गैंगस्टर था सुखा, जो कि 2017 में पंजाब से भागकर कनाडा गया था नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और अब ये वहां पर जो है मारा गया है। अब इंटर गैंग राइवलरी के चलते कोई गैंग्स की आपस में लड़ाई हुई है और उसके अंदर इस गैंगस्टर की जो है मौत हुई है। अभी ये खबर जो है कनाडा से ही आई है, लेकिन इससे पहले हरदीप सिंह निग्गर, उसकी भी किलिंग हुई, जिसके ऊपर कनाडा ने कहा कि भारत का हाथ है। हालांकि उसके बाद से भारत ने भी जो वीज़ा सर्विसेज हैं कनाडा की उसे जो है बैन लगा दिया, उसे बंद कर दिया अभी फिलहाल कुछ देर के लिए जब तक, और साथ ही में कुछ एडवाइजरी भी जारी की है जो इंडियंस कनाडा में रह रहे हैं उनको कि भाई वो अपने आप को सुरक्षित रखें और जहां भी रहें थोड़ा सा अपना एहतियात बरतें। लेकिन अभी का जो अपडेट है वो यही है कि एक और गैंगस्टर कनाडा के अंदर मारा गया है जो पंजाब का रहने वाला था, सुखजोत सिंह इसका नाम था, जिसके सुखा दुनिक्की के नाम से कनाडा में गैंगस्टर जानते थे, क्योंकि ये भी एक गैंगस्टर था। फिलहाल एक इंटर गैंग रेवलरी थी वहाँ पर, आपसी लड़ाई हुई गैंग्स की और उसके बीच में जो है इसकी किलिंग हुई है। फर्दर अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहें JK मीडिया। राम राम, सनातन धर्म की जय।